दिल्ली एनसीआर से काफ़ी पर्यटक वीकेंड पे लैंसी डाउन आना पसंद करते हैं, और कोटद्वार दुगड्डा के बीच एक जगह पड़ती है आमसौड़, और यहाँ पे रास्ता नाम से एक कैफ़े यहाँ पे बना हुआ है। मेरे साथ इस कैफ़े के मालिक हैं, उनसे बात करते हैं। ये थोड़ा अलग सा कंसेप्ट लगा मेरे को यहाँ पे, आपने जैसे जीप यहाँ पे लगा रखी है, ट्रक लगा रखा पुराना, ये क्या कंसेप्ट है आपका? थोड़ा ये आइडिया था कि लोगों को डिफरेंट देने, एक फूड एंड ऑल तो सर्व कर रहे हैं। ये जैसे आपने यहाँ पे एक होस्ट टाइप का, क्या है ये? इज बॉब मार्ले एक्चुअली, ये हमारा एक थीम है, इट्स कॉल्ड रास्ता। रास्ता इज द जमैकन थीम। तो जैसे हमारे हिंदी में होता है रास्ता चलते हुए मुसाफिर, सेम कलर और ये सब सब आप हुई थी। उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि आपने एक पुरानी चीज यहाँ पर खड़ी की है, ये हमारे जतिन का आइडिया था। जैसे हमने डिफरेंट टॉप पे देखी तो देखते हैं आइडिया, चलो उसका कुछ करते हैं। वहाँ पे बड़ी भी दिखा ली देख सकते हैं आप। फिर आपने एक बड़े ट्रक का भी यहाँ पे, जो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो पूरा काउंटर है जी, ये किचन का एक्चुअली, तो किचन हमारा व्हील पे रहे, हर टाइम व्हील पे रहे किचन भी, वी आर ऑल टाइम ऑन। कि कभी थोड़ा अंदर चलते हैं, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रक का जो फ्रंट पोर्शन होता है वो यहाँ पे रखा हुआ है, पत्थर रखे हुए हैं। मतलब इसको थीम देने की कोशिश की गई है कि जैसे रास्ते में आपको पत्थर भी मिलते हैं, दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन आप इंजॉय भी करते हैं, इस तरह की थीम बनाई हुई है। और जो सीटिंग अरेंजमेंट है, एक तो आपने देखा कि जिस तरह से जीप के ऊपर बैठ के आप रेस्टोरेंट करके यहाँ पे लुक देने की कोशिश की गई है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और जो यहाँ पे किचन है, ओपन किचन है, ये यहाँ पे बनाया हुआ है। और एक खूबसूरत चीज़ मुझे लगी जिसके बारे में पूछूंगा मैं इनसे, छत में हम आ गए यहाँ पे, और जो ये मचान यहाँ पे बना हुआ है, इस तरफ मैं आपको ले जाऊँगा नीचे। ये जो नेशनल हाईवे है जो आपका दिल्ली से शुरू होके, मेरठ से शुरू होके, कोटद्वार और लैंसी डाउन तक जाता है, आगे पौड़ी की तरफ जाता है, ये आपको यहाँ से दिखाई देगा, और खुली जगह है एकदम। तो जब आप इस रूट पे निकले तो ये रास्ता में आप रुकना ज़रूर पसंद करेंगे। ये जो आपने यहाँ पे मचान जैसा बनाया हुआ है, मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पॉइंट ऑफ अट्रैक्टिंग है, दूर से ही दिख जाता है, कलरफुल है, रात को जैसे लाइटिंग हो जाती है इस पर तो दूर से ही दिख जाता है, फोकस लाइट वगैरह है, दूर से जब आ रहे हो आप तो रूट पे दिख जाएगा आपको, ठीक है कुछ है, चलो रुकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं टूरिस्ट? इसके अलावा यहाँ पे हम ट्रैकिंग वगैरह करवाते हैं थोड़ा बहुत, और साइडिंग वगैरह कराते हैं, जैसे यहाँ से मंदिर तक लेके, आगे मंदिर है दुर्गा देवी का, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहाँ तक ले जाते हैं, फिर आगे लाइफ जोन के लिए ट्रैकिंग वगैरह हो, और ये थोड़ा सफारी भी करवाते हैं थोड़ा बहुत। करने को तो बहुत कुछ है यहाँ पे, धीरे धीरे कर रहे हैं उन चीज़ों को कवर। यहाँ का यूथ है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी संघर्ष भी कर रहा है, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? उसके लिए यही है कि हमें भी सपोर्ट चाहिए थोड़ा, अगर हमें सपोर्ट मिलता तो ऑब्वियसली बात है हम सबको सपोर्ट करेंगे। अब हमारे साथ जितने भी काम करने वाले सब लोकल हैं, सब अगल बगल के 20-25 किलोमीटर की रेंज में ही हैं, तो अच्छा है, हमें सपोर्ट मिलेगा, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे और आगे सपोर्ट करेंगे। तो हम डोनेशन वगैरह भी करते हैं स्कूल में, लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले हमने यहाँ पे शूज़ वगैरह और ये शूज स्वेटर डोनेट किए थे बच्चों को, तो लगे वैसे कर रहे हैं धीरे धीरे, बाकी होता रहेगा सब। तो आप देख सकते हैं कि अगर आदमी की इच्छा हो तो बहुत कुछ कर सकता है, और एक अलग थीम लेके, अलग सोच लेके ये यहाँ पे रास्ता कैफ़े और रेस्टोरेंट यहाँ पे बनाया गया है। रास्ते में आज मुझे अपना छोटा भाई मिल गया आशीष,
लोग कहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा हमारी शक्ल भी जो है मिलती है। मैं इनसे बड़ा हूँ, चश्मा भी मेरा लगा हुआ है। आशीष की मैंने एक फोटोग्राफ देखी थी फेसबुक पर यहाँ पे बैठे हुए, तो मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं इधर से जाऊँगा तो यहाँ पे रुकूंगा और एक छोटी सी स्टोरी जरूर बनाऊंगा। तो आशीष हम बिछड़े हो भाई, बहुत दिनों बाद आज मिले। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, मतलब एक ये कह सकते हैं कि ड्रीम हमारा सफल हो गया। हमने परसों ही मतलब फेसबुक पे बात हो रही थी हमारी कि हम लोग मतलब बीच से कहीं से गुजर रहे थे और हम लोग यहाँ पे रुके, और मैंने एक फ़ोटो अपलोड कर दिया था फेसबुक पे, और मेरी आईडी में भैया ने मतलब कमेंट लिखा था उसमें कि जब भी मैं यहाँ से गुजरूंगा तो रास्ता कैफ़े ज़रूर आऊँगा, पक्का आऊँगा। और आज ये इत्तफाकन ऐसा मतलब एक क्या कह सकते हैं, कोइंसिडेंस कह सकते कि मैं मतलब इसी रास्ते से गुजर रहा हूँ और मेरे भैया यहाँ पे लेके यहीं खड़े थे बाहर पे, तो मुझे अच्छा लगा, मैं एकदम वापस लौट के आया और मैं आज उनके साथ हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बचपन में हमने काफ़ी हालांकि मैं इनसे उम्र में बड़ा हूँ लेकिन शैतान में भी काफ़ी था, तो हमने मस्ती भी काफ़ी की है। और मैं चाहूँगा कि जब आप इस रास्ते से गुजरे तो इस रास्ते में इस रास्ते का मज़ा ज़रूर लें। जागो उत्तराखंड के लिए आमसौड़ से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।